अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग देख रहे हैं चैप्टर नंबर 2, सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। किसी भी बायोलॉजिकल मसले को हल करना, ये आज आपका लेक्चर नंबर 1 है। यहाँ पर आपको बहुत सारी बातें बताई जा रही हैं। देखें क्या कह रहे हैं, साइंस इज द सिस्टमाइज्ड नॉलेज ड्राइव फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। तो ये एक तरह से साइंस की ही डेफिनेशन है कि साइंस एक सिस्टमेटिक नॉलेज है जो हमें हमारे मुशाहिदात और तजुर्बात से मिलती है। जब हम मुशाहिदा करते हैं या तजुर्बा करते हैं तो हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है। दीज एक्सपेरिमेंट्स आर कैरीड आउट टू डिटरमिन द प्रिंसिपल्स अबाउट हाउ नेचर ऑपरेट्स। ये जो तजुर्बात होते हैं ये किए जाते हैं और फैसला किया जाता है कि किस असूल पर कुदरत चलती है। हम कुदरत के असूलों को समझने की कोशिश करते हैं। अब ये डेफिनेशन है आपकी, ये डेफिनेशन आपसे क्या की जा रही है, साइंटिफिक मेथड क्या होता है। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन होगा व्हाट इज़ साइंटिफिक मेथड, तो उसके आंसर में आप यहाँ से लेकर यहाँ तक जवाब देंगे। साइंटिस्ट लाइक केमिस्ट बायोलॉजिस्ट एंड फिजिस्ट यूज द सेम साइंटिफिक मेथड टू मेक एंड टेस्ट न्यू थ्योरीज। साइंसदान जैसा कि केमिस्ट यानी जो केमिस्ट्री जानते हैं, बायोलॉजिस्ट एंड फिजिस्ट, वो एक ही साइंटिफिक तरीका इस्तेमाल करते हैं नई थ्योरीज को जांचने के लिए। ये साइंटिफिक मेथड है, ठीक है। तो नई थ्योरीज को जांचने के लिए, नई थ्योरीज को परखने के लिए जो तरीका इस्तेमाल करते हैं साइंसदान, उसे हम कहते हैं साइंटिफिक मेथड। आगे हमारे पास आ रहा है बायोलॉजिकल मेथड। साइंटिफिक मेथड तो हमें पता लग गया, तो अब बायोलॉजिकल मेथड से क्या मुराद है। क्वेश्चन अबाउट लिविंग थिंग्स, जो जानदार चीज़ें हैं उनके हवाले से जो सवाल होते हैं, हैव प्रोवाइडेड, वो फ्राहम कर किए जाते हैं प्रॉब्लम्स मसाइल दैट मैन हैज़ इन्वेस्टिगेटेड टू एड हिज ऑन सर्वाइवल एंड टू सेफ्टी सेटिस्फाई हिज डिज़ायर टू नो। इंसान के जहन में कुछ सवाल पैदा होते हैं या किसी मसले से उसके जहन में उठते हैं, तो जिससे वो अपने आप के बचाव, अपनी बका और अपनी जानने की जो उसकी एक हिस है, जो जानने की ख्वाहिश है, उसकी तस्कीन करता है। तो द साइंटिफिक मेथड इन विच बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड इज टर्म्ड एज बायोलॉजिकल मेथड। तो वो मेथड, वो साइंटिफिक मेथड, वो साइंसी मेथड जिसके अंदर हम बायोलॉजिकल मसलों को हल करते हैं, उसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड। तो यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि बायोलॉजिकल मेथड क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी डेफिनेशन होगी। इट कंप्राइजेज द स्टेप्स अ बायोलॉजिस्ट अडॉप्ट इन ऑर्डर टू सॉल्व अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। इसमें वो तमाम इकदामात शामिल हैं जो कोई बायोलॉजिस्ट उठाता है किसी भी मसले को हल करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर छोटे छोटे से पॉइंट्स इन्होंने दिए हैं, ये पॉइंट्स जैसे ये डेट्स हैं, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है कि इसको किस तरीके से जो है वो आपने हल करना है, ये डेट्स को किस तरीके से याद करना है, एमसीक्यूज़ के लिए।